परमात्मा के उत्सवों में अगर मौका मिल रहा है शामिल होने का, तो ये सौभाग्य बड़ा है। दुनिया के उत्सव जब तक जीवन है हम करते रहते हैं, भाग लेते रहते हैं, लेकिन मिलता क्या है उससे? बुराई या थोड़ी बहुत कभी कभी भलाई, मगर इस भलाई में भी फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता के निकट पहुंचकर जब ईश्वरीय आनंद को अनुभूत करते हैं, तो न किसी से लेना न किसी से देना, हर पल मगन रहना, उसे अनुभूत करते रहो, उस आनंद को जीते रहो। जैसे मुंह में पड़ी हुई कोई कैंडी, कोई चॉकलेट या कुछ तो भी हो, तो उसका रस जैसे जैसे मिलता रहता है, हम अपने 50 काम करते रहते हैं, लेकिन उस रस के आनंद को हम जरूर जीते हैं ना? वैसे ही हम अपने 50 काम करते रहे और मुंह के अंदर भगवान के राम नाम की गोली मीठी रख ले और दुनिया के काम करते रहे, उस रस को लेकर अपने जीवन का कल्याण करते रहे। वो रस चलता रहना चाहिए, वो राम रस, वो कृष्ण रस, वो परमात्मा का रस, वो ईश्वरीय रस, वो हमें मिलता रहे, हमारी वही सबसे बड़ी उपलब्धि है।